तो मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ DRDO का एग्जाम एनालिसिस के बारे में पूरी डिटेल, एक एक क्वेश्चन बताऊँ पूरा डीप में। पहले थोड़ा सा मैं इसे ओवरव्यू दे दूँ, पेपर काफ़ी सिंपल था, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ पूरा। देखो DRDO का जो हमारा पेपर है तीन सेक्शन में बटा हुआ है, ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 मैंने लिख रखा है यहाँ पे। सेक्शन 1 में हमारे पास रीजनिंग थी, GK थी, मैथ थी, मतलब तीनों कंबाइन करके इन्होंने दे रखा था। फिर उसके बाद आता है इंग्लिश, जो सेक्शन 2 था वो हमारा इंग्लिश का था। फिर जो सेक्शन 3 था वो भी इंग्लिश का था, पर मैं बताऊँ वो हिंदी का भी हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आपको बता। देखो DRDO में क्या था कि ये जो टाइपिस्ट था, जैसे एक क्वेश्चन भरा, जैसे स्टोर असिस्टेंट था, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट था, उसमें क्या था हिंदी टाइपिस्ट की भी वैकेंसीज और इंग्लिश टाइपिस्ट की भी। अगर आपने देखो हिंदी टाइपिस्ट का फॉर्म भरा, यानी कि अगर आप हिंदी में टाइपिंग दोगे तो इसमें जो 50 नंबर जो सेक्शन 3 है वो पूरा का पूरा 50 नंबर का हिंदी का आएगा। अगर आपने वो भरा है इंग्लिश का तो उसमें यानी उसमें आएगा आपका 50 नंबर की इंग्लिश आएगी। यानी कि ठीक है, वही वाली बात है, अगर आपने देखो इंग्लिश टाइपिस्ट का भर दिया तो आपका जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर की इंग्लिश होगी उसमें। अगर आपने हिंदी का भरा तो 50 की इंग्लिश और 50 की हिंदी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो पेपर, सबसे पहले मैं आता हूँ मैथ पे। मैथ इतनी वाक्य में इतनी लड्डू मैथ थी, इतनी बहुत ज़्यादा पूरी सिंपल मैथ। देखो पहले मैं मैथ के चैप्टर बताता हूँ पहले मैं आपको। देखो जो इन्होंने बांट रखा था, मतलब इन्होंने 50 क्वेश्चन थे, 50 में से ऐसे कर करके कोई से के 16 दे दिए, 17 दे दिया, ऐसे करके इन्होंने दे रखा था, ठीक है। सबसे पहले मैथ पे ही आता हूँ मैं। देखो मैथ में क्या था, मैथ का चैप्टर बताता हूँ पहले मैं आपको। एक तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट था, प्रॉफिट एंड लॉस था, परसेंटेज था, बॉर्ड मास था, डिजिबिलिटी रूल था, एक क्या नाम है यूनिट डिजिट था, एक था एवरेज, ठीक है। एवरेज सबसे पहले आते हैं SI का। देखो एक क्वेश्चन था SI का, 1440 का 7% का 5 साल का ब्याज बता दो, साधारण ब्याज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बताता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस, मानो कोई वस्तु को 25% छूट पे बेचा जाता है 850 रुपये में, तो उसका मूल्य क्या था, ठीक है। उसको मतलब 25, जाहिर सी बात है 75 बराबर के 850 ले लो, 100 बराबर के वो हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज का काफ़ी सिंपल, जिस मुझे तो भाई सारे के सारे बंदे कर सकते थे। 840 का 40% बताओ कितना है, ठीक है। बहुत सिंपल, मतलब मैथ ना इतनी सिंपल आई है, बहुत ज़्यादा सिंपल। मैथ तो वो था ना GD का भी, उससे भी लो ही मान लो, ठीक है। SSC GD का था, मैथ का तो वो भी है, ठीक है। बोर्ड मास काफ़ी आसान था। मतलब देखो डिविजिबिलिटी रूल में क्या था, देखो एक संख्या दे रखी थी, कुछ 5, 4, 3 एंड में एक m दे रखा था, यानी कि मतलब x मान लो से कुछ भी, ठीक है। इसमें बताओ इसमें m की जगह क्या आएगा, कि जो ये 8 से भाग हो जाए, जाहिर सी बात है भाग कर करके देख लो, एंड की तीन संख्या 8 से कट जाती है, ठीक है। तो उसमें वो लगा के देखना। इकाई अंक, मतलब यूनिट डिजिट काफ़ी आसान था, यूनिट डिजिट बताना था, बहुत सिंपल चैप्टर। एक एवरेज से था, ये थोड़ा सा मतलब सही था, जिसको पता हुआ वो कर देगा। ये क्या नाम है, 43, पहली 43 इवन संख्या होगा, औसत बताना है, ठीक है। काफ़ी सिंपल, मतलब मैथ में ओवरऑल क्या हूँ ना, 10 में से 2 मान लो मैथ। अगर आप देखो 10 को पूरा हार्ड दे दो, 1 को पूरा लड्डू कह दो, मैं 2 कहूँगा, 2 से 1 ही मान लो, 2 भी मुश्किल से ही मानो, ठीक है। मैथ काफ़ी सिंपल था, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। रीजनिंग में चैप्टर बताता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग था, अल्फाबेटिक सीरीज, नंबर सीरीज, मिरर, ऑड इवन, ऑड में क्या था कि वही 5, 4, 3, 4 वो दे दिए, उसमें से ऑड बताना, यानी कि अलग वाला बताना है कि कौन सा अलग है, किसका रिलेशनशिप किससे अलग है। एक था हमारा रिलेशनशिप का क्वेश्चन, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में जैसे मैं बता दूँ, जैसे HIS को 35 कह रहे हैं, MAN को क्या कहेंगे, ऐसे करके, मतलब ऐसी कुछ एक क्वेश्चन था। अल्फाबेटिक सीरीज तो नंबर नॉर्मल से होती है, AFG HIA बताओ इससे अगला क्या आएगा, ठीक है। नंबर सीरीज भी, मिरर भी, एक इमेज दे रखी थी उसका वो बताना था मिरर में, ऑड में मैंने आपको बता दिया। रिलेशनशिप भी काफ़ी आसान था, मतलब इतना लंबा नहीं खींच रखा था रिलेशनशिप में, कि जैसे कि ये मतलब राम किसी की ओर इशारा करते हुए कह रहा है ये मेरी माता के पुत्र का इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र है, बताओ तो उसका उससे क्या संबंध है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग काफ़ी आसान थी। GK थोड़ी सी मैं मुश्किल कह सकता हूँ, GK में साइंस थी, पर GK में आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन जो पढ़ रहा होगा देखो वो तो आ गए। देखो साइंस के भी मैंने एक आधा क्वेश्चन देख लिया था। देखो एक तो सबसे पहला आता है हमारा GK क्वेश्चन, नेचुरल रिसोर्स क्या है, उसमें यहाँ पे था ऑल आर करेक्ट, फॉरेस्ट, लैंड, और ये आपका एक और था वाटर, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक फिर आया आपका सिम्बेक्स 2019 डिफेंस, मतलब ये जो इंडिया ने किसके साथ वो किया था, प्रैक्टिस की थी, ठीक है। मतलब बहुत सारी एक यू मतलब जापान आ रहा था, अमेरिका आ रहा था, 2-3 और आ रहा था, ठीक है। एक आया आपका पैन पैसिफिक ओपन 2019 किसने जीता, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था। एक आपका था आर्टिकल 50 से रिलेटेड, कि आर्टिकल 50 से बताओ इनमें
किससे, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, दो ऑप्शन और थे, ठीक है। उसके बाद आते देखो उत्तर दिशा को पहचानने में कौन सा तारामंडल सहायक है, एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस पायलट प्रोजेक्ट किससे, मतलब उसमें किससे संबंधित है, मतलब इसमें था मतलब किसका, मतलब कुछ ऐसी कुछ कोई क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन था यहाँ पे हमारे पास कि ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र कौन सा होता है, ठीक है। एक था आपका जनजातियाँ, हाँ जनजाति का पहला व्यापक विद्रोह कौन सा था, एक क्वेश्चन ये था। देखो जो जो लिखे हैं तो भाई ने मैं सारे पढ़ के बता रहा हूँ, जो कुछ जैसा जैसा लिखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन था PbCl2 किसका वो है, मतलब ये एक फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। मतलब साइंस का क्वेश्चन था इसमें किसका है, कैल्शियम आयोडन, पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेनियम, RHENIUM, रेनियम का वो क्या है सिंबल, जैसे RH है, RE है, उस टाइप से, ठीक है। उस भाई ने RE लगाया, पता नहीं सही है क्योंकि मुझे भी नहीं पता इतना, ठीक है। ये तो हो गया देखो यहाँ पे मैथ, मैंने आपको GK बता दी, रीजनिंग बता दी, अब आते हैं इंग्लिश पे। देखो इंग्लिश भी काफ़ी आसान थी, जिसको इंग्लिश आती है, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा, जिसको इंग्लिश आती है, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि एकदम हाई लेवल आती है, बेसिक इंग्लिश भी आती है ना, तो भी आपका ये पेपर पास हो जाएगा मेरे हिसाब से। मतलब टायर टू में तो चले टाइपिंग वगैरह दे ही दोगे मेरे हिसाब से, स्किल टेस्ट वगैरह। देखो मैं आपको थोड़े थोड़े देखो एक एक सिम बताता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहला देखो इनडायरेक्ट वो थे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद पैसिव एक्टिव पैसिव थे, ठीक है। एक आधा मैं देखो स्पेलिंग करेक्शन बहुत सारी थी, मतलब ये मानो 5-6 मान ऊपर मान लो 8-9 मान लो, ठीक है। और आसान थी काफ़ी, टॉन्ट की स्पेलिंग बतानी थी, ठीक है। क्वालिफिकेशन की स्पेलिंग बतानी थी, रिलीजियन की स्पेलिंग बतानी थी, वैक्यूम की स्पेलिंग बतानी थी, इंडिक्ट की बतानी थी, एक इसमें कॉमोफ्लैग ऐसी करके कुछ लिखा है, कॉमियोफ्लैग पता नहीं क्या लिखा है, कैमियोफ्लैग, ठीक है। एक मतलब ये आसान को ठीक है। एंटोनिम्स एक्यूमैन का पूछा था, एंटोनिम्स एक्यूमैन का, ठीक है। इनप्यूट का पूछा था, INPUT, ठीक है। इनपुट कह दो, इनप्यूट कह दो, ठीक है। ग्वाइल का पूछा था, GUIL, ग्वाइल, ठीक है। ये सिनोनिम्स पूछा था कंटेम्प्ट का, CONTEMPT, कंटेम्प्ट का, ठीक है। उसमें ऐसे भी थे, ऐसे मतलब सॉरी ऐसे पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ भी काफ़ी सिंपल था। पैराग्राफ का वो भाई बताता क्या, एक तो था मार्टिन गुप्टिल थे, मतलब एक उसके बारे में सारा दे रखा था, उसकी मतलब कि कहाँ पे बॉर्न हुआ, कम कब स्कूल में गया, कब पहला वो मारा, क्या क्या जीता वगैरह सब, तो उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे। उसकी इंग्लिश काफ़ी सिंपल थी, काफ़ी ज़्यादा सिंपल, ठीक है। एक था आपका हड़प्पा सभ्यता से, मतलब हड़प्पा वही सिविलाइजेशन, उससे रिलेटेड, उससे उस मतलब उसमें भी 5 क्वेश्चन तो मार्टिन गुप्टिल से मान लो, 5 क्वेश्चन इससे, ठीक है। मतलब इनका काफ़ी आसान था ये, मतलब उन्होंने सारा बता रहा, मतलब जिसे कहते हैं ना बेसिक इंग्लिश वाला था, ठीक है। मतलब मतलब देखो अगर आपको मतलब बिल्कुल बेसिक इंग्लिश मान लो, बिल्कुल ज़्यादा बेसिक, जैसे अगर आपको इंग्लिश सही आती है तो आपका पेपर गारंटेड पास है। मैथ हलवा है, रीजनिंग हलवा है, GK में थोड़ी सी कह सकता हूँ, GK क्योंकि GK में साइंस है, जिसका साइंस वाला बैकग्राउंड होगा, नहीं देखो जिसने अगर 10th तक साइंस पढ़ी है, या याद हो जिसको, क्योंकि 10th तक सब नहीं पढ़ी है पर याद कोई से को नहीं होगी, जिसने 10th तक की साइंस याद है तो वो भी साइंस कर लेगा, ठीक है। इंग्लिश मैंने आपको बता दिया कितनी इजी स्पेलिंग पूछा, टॉन्ट की स्पेलिंग पूछ रहा है। क्वालिफिकेशन ये तो यार सबको आती होगी, रिलीजियन की स्पेलिंग, वैक्यूम की स्पेलिंग, इंडिक्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी मेरे हिसाब से आसान पेपर था, ठीक है। एक मैंने आपको एक आते हम सारे क्वेश्चन बता दिए मेरे हिसाब से, जितने मुझे बता दिया जितने भी इस पेपर में उनने लिखे हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो में सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नीचे कमेंट में बता देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।